विलेज है ना बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे, बट दिक्कत ये है ना कि उन लोगों को ना हिंदी नहीं आता है, बहुत कम मिलेगा आपको, 100 में से एक बंदा मिलेगा जिसको हिंदी आता है। उधर है सूरज, आप देख सकते हो एलईडी बल्ब जला जल रहा है, जैसे एलईडी बल्ब जलते हैं वैसा, हेलोजन जिससे बल्ब जलते हैं वैसा जलना चाहिए, लाल होना चाहिए तब हो गया। ऐसा तो ना दिल खुश होता है यार, क्या बताओ, धीरे धीरे जितना हो रहा है क्लियर हो रहा है। तो गाइस कहानी शुरू होती कुछ ऐसे, 20 तारीख को भाई का बर्थडे था, तो हम लोगों ने डोंग माहिर आयरलैंड में गया था, लास्ट टाइम एक बार गया था हम लोग वहाँ पे आयरलैंड में, जो 5 आयरलैंड होते, उसका वीडियो है मेरा चैनल पे, देख सकते हो आप लोग जाके। तो 20 तारीख को बर्थडे था, हम लोग वहाँ पे नाइट कैंपिंग किया, थोड़ा इन्जॉय किया, ठीक है। बट सडनली 21 को, मतलब आज का डेट है 21, सुबह प्लान नहीं होता है कि हम लोग जाएंगे कहीं और, तो डिसाइड किया नोंग जुरुंग जाएंगे, इसलिए मैं वीडियो बना रहा कि आप लोगों को नोंग जुरुंग दिखाऊं। और नोंग जुरुंग जाने के लिए ना आप लोगों को शिलोंग होकर लाइटलूम वाला रोड लेना है, ठीक है। लाइटलूम वाला रोड से आप लोग गूगल मैप करके आ सकते हो, जुरुंग का व्यू पॉइंट विजिट करेंगे कल सुबह, वहाँ पे हम लोग सनराइज़ देखने का ट्राई करेंगे, अगर किस्मत में रहा तो, नहीं तो क्लाउड देखने मिलेगा। एंड गाइस लिटरली बोल रहा हूँ, हाथ पूरा ठंडा हो रहा है यार, मैं सोचा नहीं था ऐसा भी कुछ होगा, और ऐसा भी सैंडल पहन लूँगा तो ग्लव्स लाया नहीं था हम लोग। स्पीड ब्रेकर टुक 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 टुक। तो अभी मैं लाइटलूम रोड पर, अभी तक लाइटलूम पहुँचा नहीं, आप लोग गूगल करके आ सकते हो इस जगह पर, लाइटलूम का रोड, ठीक है। बट मैं जो है ना अभी जाके सीधा रूम ढूंढता हूँ पहले, क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, तो पहले जाकर रूम ढूंढ लेता हूँ, एंड फिर सुबह निकलेंगे नोंग जुरुंग के लिए अर्ली मॉर्निंग, अराउंड 3-4 बजे समथिंग, तो तब जाके मैं ये व्लॉग कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून, रुक जाओ कहीं मत जाना, वीडियो पूरा वॉच करके जाना। नेक्स्ट डे, सो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, और हम लोग है ना नोंग जुरुंग में, और यहाँ पे एक विलेज बहुत अच्छा सुंदर है बहुत। रात को तो कुछ पता नहीं चला कि रात को आके होटल, मतलब होम स्टे में था, इस वाले पीछे वाला होम स्टे, सो ये हम लोग का एक होम स्टे था। तो अगर आप लोग होम स्टे चाहिए रहेगा ना यहाँ पे आके, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक भाई का नंबर डालूंगा, आप लोगों से बात करना, या तो इंग्लिश में बात करना, खासी में बात करना। एंड अभी हम लोग जा रहे हैं मेन व्यू पॉइंट का तरफ, और जो कि हम लोग को मतलब 5 बजे जाना था, बट अभी लेट हो गया 5:30, अराउंड 6 बजने वाला है, पकड़ लो आप, तो जाना फटाफट से, क्योंकि यहाँ पर 7 बजे के बाद में जो फॉग है ना वो खत्म हो जाता है, जो चीज़ आप लोग देखने आता है ना वो नहीं मिलता देखने के लिए। चलो फटाफट चलते हैं अभी नोंग जुरुंग की तरफ, और जो विलेज है ना बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग भी काफ़ी अच्छे, बट दिक्कत ये है ना कि उन लोगों को ना हिंदी नहीं आता है, बहुत कम मिलेगा आपको, 100 में से एक बंदा मिलेगा जिसको हिंदी आता है। और रात को जल्दबाजी में यहाँ का जगह का नाम भी पूछना होगा, शायद ये नोंग जुरुंग ही रहेगा, विलेज का नाम क्या रहेगा, अगर कुछ दूसरा रहेगा तो मैं पूछ लेगा, बट अभी चलो फटाफट चलते व्यू पॉइंट की तरफ, और यहाँ पे होटल वगैरह ज़्यादा मिलेगा नहीं आप लोगों को, और रात को हम लोग बाइक खेत में पार्क कर दिया बढ़िया से। तो यहाँ पे अपने सबका बाइक पार्क किया, यहाँ पे सारा का सारा इतना सारा बाइक पार्क किया था पार्किंग इधर, और होटल रूम उधर ऊपर में था। उधर अपना होटल रूम वो एकदम टॉप में जो दिख रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है वहाँ पे रह के। चलो चलते हैं यहाँ पे व्यू पॉइंट का तरफ, ज़्यादा दूर नहीं यहाँ पे, और बाइक सब यहीं रखेंगे, चल के जाएंगे, फिर आने के बाद रूम में कपड़ा वपड़ा सब है बैग पैक करके, फिर आगे फटाफट से निकल जाना गुवाहाटी के लिए। मैं भी एक बंदा भाई लोग तो बोल रहा है कि डाउकी भी जाना है किसी को, बट देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे ना भाई बहुत ज़्यादा ठंड है यार, मतलब हम लोग इतना प्रिपेयर के साथ नहीं आया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है। So heartless, and you don't care. And I don't even know what I've been fighting for. You got me hoping, and you don't care. And I don't even. सुबह सुबह एक कप कॉफी के साथ इस दिन को थोड़ा मूड को थोड़ा फ्रेश कर दे, और भूख भी जास्ती लग रहा है यार। इस तरह है पार्किंग, आप लोग अगर सुबह आते हो तो यहाँ पार्क कर सकते हो गाड़ी को आराम से। तो गाइस यहाँ से जो नज़ारा ना कितना खूबसूरत आ रहा है, पूरा फॉग ऐसा लग रहा है बादल के ऊपर है। सो आप देखो यार, मैं लिटरली मैं भरोसा नहीं कर पा रहा कि मैं कहाँ पर हूँ यार, एक बार अटेम्प्ट किया था यहाँ पे, फेल हो गया था बारिश के लिए, बट राइट नाउ अभी आप देख सकते हो बहुत सामने, ज़्यादा दूर नहीं था, पर दोस्त लोग कहाँ भगे रहे, और बहुत सारा पब्लिक इधर है। I can't fight it, you wreck my mind, I'm losing my sleep.
जिगजैग पैटर्न का दरी है, आपको वहाँ तक उधर तक पहुँचना है टॉप पे, इधर रोड है आपको मिल जाएगा। और ये जगह बहुत रिक्सी है, बहुत ज़्यादा रिक्सी है। सो गाइस, यहाँ का जो फॉग ऐसा है ना, पीछे देख सकते हो यार, ऐसा लग रहा है बादलों के ऊपर यार। और यहाँ बहुत ज़्यादा पब्लिक क्राउड हो गया। मैं अगर होगा ना सिनेमेटिक और टाइमलेस वगैरह लेने का शूट लेने का ट्राई करूँगा, बट यार बहुत हाइट पे ऐसा लग रहा है, हम लोग पूरा नीचे पार ही पार है। मैं अपने आपको क्या दिखा यार, क्या फेस कैम करो, आपको सिर्फ जगह दिखना है मेरे को, सब जगह देखो यार, सिर्फ जगह को एक्सप्लोर करो यार, बहुत खूबसूरत है, जन्नत बोल सकते हो आप। फॉग नहीं है, बादल है यार, ऐसा बोल सकते हो यार। इतना लिटरली इतना ज़्यादा भयंकर है, वो क्या बताओ यार, मतलब अलग सा मज़ा आ जा रहा है, मतलब देख के बाद सनराइज़ देखने मिल जाएगा तो और मज़ा आ जाएगा भाई। आप लोग आओ नोंगजुलोंग, आओ यहाँ पे ज़्यादा, शिलोंग से 40 किलोमीटर रहेगा, ज़्यादा दूर नहीं है, बट बहुत अच्छा जगह है। जो कॉन्टेक्ट डिटेल मैं सब शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, देख के आराम से आना आप लोग। सो लेट्स गो, हम लोग अपना व्यू पॉइंट जो टॉप में है ना, एकदम एंडिंग पे जाते हैं, वहाँ पे जाके देखते हैं कि कैसा व्यू दे रहे उधर से। और यार ये कितनी ऑसम है यार। मे बी गाइस, शायद उधर से ना संध्या होने वाला है, क्योंकि वो जगह अपना लाल लाल होकर रखा है। और हम लोग ऊपर में जो व्यू पॉइंट है थोड़ा नीचे आया, उधर से संध्या होगा, बढ़िया लगा, अपना रेड हो रखा है उधर में। गाइस अभी सीन ऐसा हो गया ना, इतना ज़्यादा फॉग हो गया, कुछ भी नहीं कैप्चर कर पा रहा हूँ। पहले सनराइज़ लिखा था थोड़ा सा हल्का फुल्का, उसमें चेक थोड़ा कैप्चर कर लिया, बाकी मतलब अब जब चारों तरफ देख सकते हो यार, मतलब पूरा फॉग से भरा है। और ठंड भी ऐसा लग रहा है, मतलब ये फॉग आ रहा है ना, इसमें भी थोड़ा थोड़ा पानी जैसा है, तो हाथ वात मतलब ठंड हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं, एक्सट्रीम का नहीं, बट ठंड बहुत है। मतलब फॉग के लिए ना कुछ भी हम लोग उसको कैप्चर नहीं कर पा रहे। और सूरज जो है ना, उधर है सूरज, आप देख सकते हो LED बल्ब जला जल रहा है, जैसे LED बल्ब जलते हैं वैसा, हैलोजन जैसे बल्ब जलते हैं वैसा जलना चाहिए, लाल होना चाहिए, तब जाके मज़ा आता है। और ये इस अच्छा अगर अच्छा से निकल गया ना, तो ये सब क्लियर हो जाएगा, तब जाके ना काफ़ी बॉल वाला लुक्स आएगा। मतलब सो मैं थोड़ा वेट करता हूँ यहाँ पे, देखता हूँ सनराइज क्लियर होने का टाइम, देखता हूँ कितना क्या है, अगर कुछ रहता है ना ज़रूर दिखाता हूँ मैं। तो चलो थोड़ा टाइम के लिए वेट कर लो आप लोग। तो गाइस बहुत टाइम का वेट के बाद ना, मतलब फॉग आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है, सोचा फटाफट अभी क्लियर हुआ है, मैं आपको यहाँ का विजन दिखाता हूँ, कैसा ब्यूटीफुल है, कैसा खूबसूरत जगह है। तो जस्ट अभी सूरज भी पूरा गर्मा गर्म है, फॉग पूरा क्लियर हो चुका है, अभी दिखाता हूँ मैं बैक साइड, नहीं तो फटाफट से कवर हो जाएगा। तो गाइस जरा ये चेक करें यार, ये जगह सब बहुत सुंदर है यार, विजिट करो, शिलोंग से ज़्यादा दूर नहीं, बहुत नज़दीक यार, मतलब क्या पता यार, ऐसा लगेगा ना आपको, आप कोई बादलों के ऊपर स्वर्ग में यार। सी बहुत खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है।
इसका ना मैं थोड़ा और ज़्यादा सामने जाता हूँ, सामने जाके इसका जो मतलब विजिबिलिटी है कैप्चर करने की कोशिश करता हूँ। बट ये ना GoPro का कैमरा ना तो जूम नहीं होता है, इसकी वजह से बहुत कुछ दिक्कत आता है। बट चलता है, अभी तो रहेगा, चलते रहेगा, फटाफट चलता रहेगा। इन गाइस सबसे दुख की बात यह ना, GoPro में बस 2% बैटरी है, अभी स्विच ऑफ हो सकता है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड लेते हैं। अगर आना है तो आपको आप गूगल मैप पर सर्च करके आ सकते हो नोंगजुरंग, और यहाँ का होटल का जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स नंबर छोड़ दूंगा, फटाफट से देख लेना और आ भी जाना। ये तो बहुत सुंदर जगह है, आप लोग आकर विजिट करो। नहीं तो बंद होने तक शॉट ले लेता हूँ, तब तक आप लोग देखो कुछ जगह क्या खूबसूरत जगह है, चारों तरफ ऐसे देखने को मिले आपको। अभी मैं शायद दिख नहीं रहा हूँ आपको कि मैं सूरज पीछे है मेरा, तो इसका वैसे नहीं पता चल रहा है मेरा चेहरा, बट पीछे का व्यू देखो आप क्या खूबसूरत है, लाजवाब बेमिसाल है या। और दूर दूर में पूरा केनिया नहीं है, पहाड़ी पहाड़ है। ओह गाइस ऐसा तो ना दिल खुश होता है यार, क्या बताओ, धीरे धीरे जितना हो रहा है क्लियर हो रहा है। अभी मैं शायद दिख नहीं रहा हूँ आपको कि मैं सूरज पीछे है मेरा, तो इसका वैसे नहीं पता चल रहा है मेरा चेहरा, बट पीछे का व्यू देखो आप क्या खूबसूरत है, लाजवाब बेमिसाल है या। और दूर दूर में पूरा केनिया नहीं है, पहाड़ी पहाड़ है।